नमस्कार, स्वागत है आप सभी का INA न्यूज टीवी में। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और आपको बता दूं कि इस वक्त मौजूद हूं संगम में। यहां के लोगों से जानेंगे, कल 25 तारीख है, कल मतदान होने वाला है, क्या कुछ मुद्दा इस बार रहेगा जनता का, प्रयागराज की जनता का क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्या कुछ मुद्दों के साथ कल मतदान करेगी, सीधा जानते हैं यहाँ की जनता से। नाम क्या है आपका? हरिश्चंद्र यादव। कल 25 मई है और कल प्रयागराज में मतदान होगा, इस बार आप लोग किन मुद्दों के साथ मतदान करेंगे? अब किस मुद्दे पे करेंगे अब देखा जाए, चुनाव में फिर हम लगे हैं, गाड़ी लगाए हैं हम अपनी। चलिए कोई बात नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा वीर कुमार सुब्बा। अच्छा, मतदान होने वाला है, किन मुद्दों के साथ इस बार मतदान करेंगे? मतदान की बात नहीं, ये तो हम इलेक्शन ड्यूटी पे आया है इसके बाद। आपका अच्छा, आप इस वक्त संगम पे हैं और कल मतदान होने वाला है प्रयागराज में, किन मुद्दा के साथ आप मतदान करोगे और मुद्दा क्या रहेगा इस बार आपका? अभी तो हम नहीं बता सकते। चलिए, आपका नाम क्या है? अरविंद निसार। अच्छा अरविंद जी, यहाँ पे संगम पे रहते हैं आप? हाँ, वोट चलाते हैं। अच्छा, वोट चलाते हैं। चलिए, कल मतदान होने वाला है, किन मुद्दों के साथ कल मतदान करेंगे आप? मुद्दा है क्या, अब हनुमत देंगे योगी सरकार के, मोदी सरकार जो है उनको वोट देंगे, बीजेपी को, यहाँ सभी लोग देंगे। चलिए, बीजेपी को आप वोट देंगे आप? हाँ। कह रहे हैं, लेकिन मल्लाहों के लिए मोदी सरकार ने क्या पिछले 10 साल में किया है? सब अच्छे ही कर रहे हैं यहाँ पे, सुविधा हो गया यहाँ का। हाँ, जब जब से मोदी योगी आए हैं यहाँ के लिए बहुत अच्छा हो गया है। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे जाने का प्रयास करते हैं, किन मुद्दों के साथ मतदान करेंगे? नाम क्या है आपका? विवेक। अच्छा विवेक जी, कल मतदान होगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे यहाँ मतदान जो मेन मेटो रहता है वो बेरोजगारी का रहता है। अच्छा, बेरोजगारी का। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे प्रयास करते हैं जानने के लिए कि मतदान है, प्रयागराज की जनता आखिर किन मुद्दों के साथ मतदान करेगी? ये संगम है, संगम नगरी के लिए पिछले 10 साल में सरकार द्वारा क्या विकास हुआ है, क्या कार्य हुआ है, जानेंगे यहाँ के मल्लाहों से। तो आइए मेरे साथ। चाचा, नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? कल मतदान होगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? हमारे बड़े भैया बता पा। नाम क्या है आपका? गुलाब तिवारी। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा रहेगा कल मतदान है? मुद्दा कुछ नहीं, सब हर हर मोदी है। हर हर मोदी है? हाँ, घर घर मोदी। अच्छा। हाँ। पिछले 10 साल में बीजेपी ने प्रयागराज के लिए कितना काम किया है? अरे बहुत सारा विकास कर दिया, रोडों का जाल बिछा दिया, पानी की व्यवस्था कर दिया, और क्या चाहिए आदमी? शौचालय बना दिया घर घर, बहु बेटियों को बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़ रहा, और रोडों का जाल बिछा दिया पूरा, पूरे भारत में जो है रोडों का जाल बिछा हुआ है, मोदी जी के जैसा कोई नेता ही नहीं। चलिए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम इंद्र बहादुर निषाद। अच्छा, प्रयागराज की जनता इस बार किन मुद्दों के साथ मतदान करेगी कल? बस वही मोदी जा रहे हैं और कुछ मतदान, बस उन्हीं के हम लोग वोट देंगे। नाम पे सब। अच्छा, नाम क्या है चाचा आपका? महेश कुमार। हाँ, कल मतदान है, बस बस मोदी का और किसी को, ईमानदार नेता के अलावा कोई नेता नहीं, उनके जैसा ईमानदार नेता कोई नहीं। विपक्ष कहता है मोदी जी खाली झूठ बोलते हैं, झूठे झूठे वादा करते हैं। उन जो प्रधानमंत्री की विपक्ष नहीं इज्जत कर करेगा, बताइए उनको बोलते हैं कि वो खून बेचने वाले हैं, वो तो रावण है, तो पता नहीं कौन कौन शब्द बोल रहे हैं। चलिए, नाम क्या है सर? रहने वाले तो मर्दों के हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए कल मतदान होने वाला, मतदान करने जाएंगे? 400 के पार। अच्छा, 400 के पार, बीजेपी 400 के पार जा रही है? यस यस यस। अच्छा, पिछले 10 साल में बीजेपी ने कुछ काम किया है, जैसे रोडों का जाल बिछाया? हाँ? उज्ज्वला के अंतर्गत सिलेंडर सबको दिया गया, सिलेंडर महंगा भी तो कर दिया है। नहीं तो वो तो उसके बाद घर घर भी गया, 200 रुपए घटाया कम से कम, 200 रुपए घट गया। यस यस। चलिए और बताइए। और आवास सबको लोगों को मुहैया कराया गया है, इसके अलावा सब लोगों को बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी मिल रही है, हो रहा है सबसे बड़ा सबसे, और माफिया राज खत्म हुआ है। अच्छा, माफिया राज प्रयागराज में खत्म हो गया? एकदम एकदम से, एकदम से। अच्छा, नाम क्या है आपका? किसके तिवारी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे यही है कि हमारा लोगों का मानना है कि मोदी सरकार होनी चाहिए, मोदी सरकार आए फिर से एक बार, मोदी सरकार, श्री राम। चलिए, नाम क्या है आपका? वीरेंद्र तिवारी। तिवारी जी, किसको ला रहे हैं इस बार? इस बार मुद्दा क्या रहेगा? ओनली मोदी।
विकास हो भी रहा है। अच्छा, रोड में प्रयागराज के लिए क्या विकास हुआ है? प्रयागराज में क्या नहीं हुआ, घाटों का सबका तो बहन बेटी बेटियों के लिए सब कुछ क्या नहीं मोदी जी ने कर दिया, राशन गुंडा मेन चीज गुंडा। 12 बजे 1 बजे कोई लड़की बेटी कहीं कोई बड़े बड़े ताना साथ थे, सब धराशाई होके सब मिट्टी मिल गए। मोदी कोई है नहीं ना। चलिए और भी लोग हैं जिसे जान लेते हैं कि मुद्दा क्या रहेगा, कल मतदान होने वाला है। नाम क्या है आपका? खतरों खिलाड़ी। अच्छा, खतरों का खिलाड़ी, वाह क्या नाम है आपका। ये बताइए इस बार किसको दिखाएंगे? मैदान जिसका छक्का लगेगा वही जीत जाएगा। अच्छा, संगम पे ही रहते हैं आप? त्रिवेणी संगम के मंत्री। अच्छा, नाव चालक मंत्री। अच्छा, नाव चालक मंत्री हैं। जी जी। बीजेपी ने पिछले 10 साल में आप लोगों के लिए क्या किया है? जितने भी निषाद है यहाँ पे, जितने भी नाव चलाते हैं, उनके खून चूसा गया है, खून चूस के निकाला गया है बीजेपी की तरफ से। भैया कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत, मोदी जी ने विकास किया है, बहुत विकास किया प्रयागराज में, खून चूस लिया कि पूरे प्रयागराज ने, पूरे